शहर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में कैटरेक्ट एवं ग्लूकोमा विषय पर राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ये कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी एवं यूपी स्टेट ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित की गई। मुरादाबाद ऑप्थाल्मिक सोसाइटी विशेष योगदान रहा मुरादाबाद ऑप्थाल्मिक सोसाइटी का विशेष योगदान रहा। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा कि आज मुरादाबाद शहर में ऑल इंडिया के नेत्र विशेषज्ञ आए हैं और उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि से डॉक्टर ने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की। सीएल गुप्ता नेत्र संस्था की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए डॉक्टरों को तकनीकी रूप से और बेहतर करना और वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता वाला इलाज मुहैया कराना है। संस्था के निदेशक डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आज ऑप्टिकल बायोमेट्री चश्मा हटाकर बेहतर नज़र किटोमेट्री का प्रबंध उइटिस कैटरेक्स की तकनीकें आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही काला मोतिया जैसी भयानक बीमारी के सामने इलाज में आने वाली चुनौतियों और उनसे उभरने के तरीके विशेषज्ञ द्वारा डॉक्टर्स को बताए गए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। सील गुप्ता इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी और यूपी स्टेट ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के साथ में मिलकर हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जो कि मुरादाबाद ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के बैनर में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, जो आम भाषा में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जिसमें कैटरेक्ट की लेटेस्ट टेक्निक जिसके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है तथा काले मोतिया ग्लूकोमा के इलाज में आने वाली दवाइयों के इस्तेमाल, उनके ऑपरेशन के तरीके तथा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि कुछ खास मरीजों में काम आते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर हम कैसे ट्रीटमेंट करें, उसमें किन बातों का ध्यान रखें, तो इन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है और ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि मुरादाबाद में। बतौर वक्ता डॉक्टर सचिन देव, डॉक्टर मयंक शर्मा, डॉक्टर संजय चंद्रा, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर आशी खुराना, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर विजेता शर्मा, डॉक्टर मोनिका गांधी, डॉक्टर प्रिया सोमन, डॉक्टर आशीष चंद्रा, डॉक्टर धर्मेंद्रनाथ, डॉक्टर गौरव मिश्रा, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर उपमा अवस्थी, डॉक्टर विराग श्रीवास्तव, डॉक्टर कपिल अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर नीतू वाशने, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर अतुल नाथ, डॉक्टर गोपेश मेहरोत्रा, डॉक्टर भगत राम, डॉक्टर पंकज बादल, डॉक्टर इरम परवीन, डॉक्टर जिमी मित्तल, डॉक्टर मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। ये सेमिनार काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, ग्लॉकोमा और कैटरेक्ट की गंभीर बीमारियों के लिए मुरादाबाद के अंदर हम लोगों ने ऑल इंडिया ऑप्थाल्मिक सोसाइटी और यूपी स्टेट ऑप्थाल्मिक सोसाइटी के साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की है हमारे मुरादाबाद शहर के अंदर, और मुरादाबाद सोसाइटी ने इसे होस्ट किया है सीएल गुप्ता संस्थान के अंदर। डॉक्टर मुकेश ने इसको इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे। आइडिया इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए नए कन्फ्यूजन्स हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उन सब के बारे में जो नए डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनको अपडेट किया जाए और हमारे इलाके में भी पूरी बेस्ट ऑफ नॉलेज एक एक डॉक्टर के पास पहुंच सके। कहां कहां से डॉक्टर्स इस समय, जो कई सारे स्पीकर्स हमारे बाहर से भी आए हैं और स्टेट के अंदर से भी आए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आसपास के स्टेट से भी कई लोग आए हैं और टोटल अभी 110 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में रजिस्टर हुए हैं। क्या मानते मैडम ऐसे सेमिनार से जो डॉक्टर्स हैं, आई डॉक्टर्स, उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? जो टेक्नोलॉजी का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जो एक लोकल एटमॉस्फेयर में अपने जाने पहचाने डॉक्टर्स और नए डॉक्टर्स के साथ में क्वेश्चन आंसर्स करना और ये सुविधा होना कि भाई हमें वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में अप टू डेट जानकारी मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है और इससे डॉक्टर्स अपने आप को अपडेट रखते हैं। इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो मरीज़ों को मिलता है।